ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نعت پاک کے ایک دو شعر سماعت کریں درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ملت اسلامیہ، آپ تمامی حضرات جانتے ہیں آج کی شب شب برات ہے، برات یعنی نجات کی رات۔ 15ویں شعبان کی یہ شب ہے، آنے والا دن 15 شعبان ہوگا اور اس کی یہ رات ہے۔ آج کی جو یہ رات ہے ایک ایسی رات کہ جس میں ہمارے نام اعمال تبدیل کیے جائیں گے، یوں کہیں کہ یہ ہمارے حساب کتاب کا نیا مہینہ شروع ہونے والا ہے، نیا سال شروع ہوگا۔ اب تک پورے سال میں ہم نے جو بھی نام اعمال میں جو بھی ہم نے اعمال کیے ہیں ان کا رجسٹر، نام اعمال مانے رجسٹر جس میں فرشتے یہ دونوں بیٹھ کر لکھتے رہتے ہیں، آج آخری دن ہے، آخری شب ہے، یہ بند کر دیا جائے گا اور بند کر کے اسے جمع کر دیا جائے گا اکاؤنٹ میں۔
हमारे अकाउंट में, इसे जमा किया जाएगा और फिर एक नया रजिस्टर शुरू होगा। फिर ये पूरा साल चलता रहेगा, फिर 15 शाबान की शब में फिर ये चेंजिंग होगी। हर साल ये चेंजेस होते रहते हैं, हर साल हमारा नामे आमाल बदलता है। और हो सकता है कि ना भी बदले, जैसे वहां तो ऐसा कोई रजिस्टर तो नहीं है ना कि खत्म हो गया तो अब नया शुरू करना है खत्म। लेकिन यह है कि पूरे साल के नामे आमाल आज की शब अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। समझे, मार्च का महीना है, मेरे ख्याल से अकाउंटेंट्स वाले जो हैं वो भी मार्च में ही हाँ परेशान रहते हैं ना। हाँ, पूरे साल का हिसाब किताब मार्च से, मार्च एंडिंग और उधर से फिर शुरू। तो ये जैसे मार्च है इनके लिए, भाई हमारा साल तो शुरू होता है कहाँ से, जनवरी से। अगर इंग्लिश देखें तो जनवरी से शुरू, दिसंबर में ख़त्म। उर्दू में देखें तो मुहर्रम से शुरू, ज़िलहज्जा पर ख़त्म। तो मार्च क्यों है, सब जो है ना वो टेंशन में रहते हैं, हिसाब किताब इधर से सब खत्म होगा, इधर नया साल, हिसाब किताब का नया साल मार्च में शुरू होगा। वैसे ही इस्लाम में नामे आमाल में हमारे हिसाब किताब का जो नया साल है वो 15 शाबान, ये पहली तारीख नहीं है, बीच में 15 शाबान रखा। और ये रात एक ऐसी रात, अच्छा आज की रात रखने का मकसद भी ये है कि आज की 15 शाबान की रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को नाजिल फरमाता है, रहमत के दरवाज़ों को खोल देता है और उसकी रहमतें आसमान दुनिया पर उतर कर ये ऐलान करती है कोई बंदा मुझसे मांगने वाला मैं उसे अता कर दूँ, है कोई बंदा मुझसे तलब करने वाला मैं उसे अता करूँ, है कोई बंदा मगफरत चाहे मैं उसे बख्श दूँ, है कोई जो तौबा करे मैं उसकी तौबा कबूल कर लूँ, कोई रिस्क मांगे मैं उसे रिस्क दे दूं, कोई उम्र मांगे मैं उसे उम्र दे दूं, कोई शिफा मांगे बीमारियों से मैं उसे शिफा दे दूं, कोई औलाद मांगे तो मैं उसे औलाद अता कर दूं। आज की शब अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है और नाजिल होकर ये ऐलानात हो रहे होते हैं। अब जब ये ऐलानात की रात है, अल्लाह की रहमतें हमसे करीब हो जाती है। आप यूं समझें कि बुर्ज खलीफा के आखिरी फ्लोर पर बंदा हो और वहाँ से उतर कर बिल्कुल सेकंड थर्ड फ्लोर पर अगर आ जाए, फोर्थ फ्लोर पर आ जाए तो फिर ज़मीन से करीब होगा ना, बादलों से थोड़ा सा दूर हुआ ज़मीन से करीब हुआ। तो अल्लाह की रहमतें हर आसमान दुनिया पर उतरती है तो हम ज़मीन वालों से रहमतें करीब हो जाती है और फिर ऐलान करती है कोई मांगने वाला कि मैं अता कर दूँ, है कोई जो मगफरत चाहे तौबा करे मैं उसे बख्श दूँ। तो फिर आज की शब जब रहमतें आई हैं हमसे करीब हुई है, और ये आप यानी कि यूँ देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक मुझे याद आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली बारिश आती ना, पहली बारिश, बारिश के मौसम में जैसे ही पहली बारिश आती सरकार अपनी चादर वादर हटा देते और बाहर निकल कर ऐसे खड़े हो जाते, पूरा महीना नहीं, चारों महीना या जब भी बारिश हो तब नहीं, लेकिन जब पहली बारिश आई तो आप चादर हटाकर फौरन बाहर निकल जाते और बारिश में भीगते। साहबा ने क्या सोचा, ये क्यों, ये क्यों, इसका कोई फायदा? अल्लाह के रसूल फरमाते इस पहली बारिश में भीगो कि ये अल्लाह की रहमत के बहुत करीब से आई है, ये अल्लाह की रहमत के बहुत करीब से आई है, ये पहली है तो बड़ी करीब से आई है, बाद वाली तो फिर बाद की आएगी, ये बड़ी करीब वाली है जो पहली आई, तो इसमें भीगना चाहिए। तो कहने की बात ये कि आज की शब वो है कि जब रहमतें हमसे करीब हो जाएगी, और जब रहमतें हमसे करीब होंगी फिर हम रब से जो मांगेंगे रब हमें अता फरमा देगा। तो आज की शब जब रहमतों के करीब होने का वक्त है तो अल्लाह ने फरमाया ऐसे ही वक्त में चलो बंदे के आमाल भी देख लेते हैं, बंदे के आमाल भी जमा, सारे फरिश्ते जमा होते हैं, बंदों के आमाल रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं, रब की बारगाह में आज पेश होंगे। और जब आज पेश होंगे उसके बाद कल से नया शुरू, कल से नया शुरू। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा नामे आमाल रब की बारगाह में पेश हो, जब फरिश्ते लेकर जाए मौला ये तेरा फना बंदा, रब फरमाया किस हाल में छोड़ कर आए, लेकर गए तो किस हाल में छोड़ कर आए, तो फरिश्ते अर्ज करे मौला हम तेरे बंदे को आखिरी मरतबा जब लिख रहे थे
हम तेरे बंदे को इस हाल में छोड़कर आए कि वो तेरे सजदे कर रहा था, वो तेरी इबादत कर रहा था, वो रोजे से था, दिन भर रोजा रखा था, रात में इबादतों में मसरूफ था, तस्बीह पढ़ रहा था, कुरान की तिलावत कर रहा था, जिक्र व अज़कार में लगा था। ऐ अल्लाह, हम तेरे बंदों को इस हाल में छोड़कर आए कि वो रो रो कर तेरी बारगाह में दुआ कर रहे थे, वो तुझसे मांग रहे थे, ऐ अल्लाह वो तुझसे कुछ चाहते थे, वो तेरी बारगाह में गड़गड़ा रहे थे। ऐ अल्लाह, हम तेरे बंदों को इस हाल में छोड़कर आए हैं। तो फिर अल्लाह जो ना, अल्लाह यहाँ फरिश्ते हैं, बड़े मासूम हैं, उनसे कोई गुनाह होता ही नहीं, और हम इंसान हैं, गुनाहों के पुतले, खताएं गुनाह हमसे होते ही रहते हैं। तो कभी कभी फरिश्तों को भी ये होता है ना कि हम तो देखें कितने अच्छे, ये देखो ये गुनाह करते रहते हैं, ये देखो ये कैसे बंदे अल्लाह के, उन्हें भी कभी कभी ऐसा होता है। तो अल्लाह ऐसी रातों में अब अपने बंदों पर, अपने इन बंदों पर फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है, ऐ फरिश्तों देखा देखा मेरे बंदे मेरी इबादत में लगे हैं, मेरा जिक्र कर रहे हैं, जानते हो तुम्हारे पास तो नफ्स नहीं है, नफ्स नहीं है, शैतान तुम्हें परेशान नहीं करता, तब तुम इबादतें करते हो, मेरे ये बंदों को तो देखो इनकी इबादतों का हाल ये है, इनके पास नफ्स है, शैतान लगा हुआ है, फिर भी मेरा बंदा मेरा बन के रहता है, मेरा बंदा मेरा बन के रहता है, मेरी इबादत करता है, मेरा जिक्र करता है, मुझे भूलता नहीं, है ना, ये कमाल है बंदा, यानी कमाल क्या है, ए फरिश्तो तुम्हारे पास तो नफ्स ही नहीं है, शैतान तो तुम्हारे पीछे पड़ा ही नहीं है, और फिर तुम अगर इबादत ही करते रहो, तस्बीह तस्कीर करते रहो, तुम अल्लाह का जिक्र करते रहो, तुम हमेशा हमेशा रुकू और सजदों में पड़े रहो, कयाम करते रहो, तुम्हारा ये कोई कमाल नहीं, कमाल मेरे इन बंदों का है कि इन पे मैंने इन्हें नफ्स भी अता किया और साथ ही शैतान लगा भी दिया, तब भी ये मेरा बंदा मेरी बारगाह में हाजिर होकर मेरी इबादत करता है, मेरा जिक्र करता है, मुझे याद करता है, मेरी बारगाह में ये आंसू गिराकर गिड़गिड़ाता है, रो रो कर दुआएं करता है। तो अल्लाह अपने फरिश्तों पर हम पर फख्र फरमाता है, ये मेरे बंदे देखो ये है। अल्लाह ने तमाम इंसानों को दो तबीयतें अता फरमाई, एक अच्छी एक बुरी, और यूं कह लें कि अल्लाह ने दो नफ्स अता फरमाए, एक नफ्स लवामा एक नफ्स अम्मारा। अच्छा, अम्मारा का, नफ्स अम्मारा का काम है उभारना, अम्मारा यानी उभारने वाला नफ्स, यह हमें उभारता रहता है, गुनाहों को सजा सजा कर पेश करता है, यह उभारता रहता है गुनाह पर, यह कर वो कर। और नफ्स लवामा यह रोकता है, मलामत करने वाला, लवामा मलामत करने वाला, रोकने वाला, मत कर ये मत कर, नहीं अल्लाह ने मना फरमाया, ये मत कर वो मत कर, गुनाह है, अल्लाह से डर, ये मलामत करने वाला। लेकिन आप सोचें, बंदे गुनाह करते ना कभी रब का ख्याल नहीं आता, ये सो रहा है, नफ्स अम्मारा तो अटेंशन बिल्कुल चौकस, वो तो इंसान के पीछे लगा हुआ, गुनाहों पर उभारता ही रहता है, तो नफ्स लवामा कहाँ गया, वो सो गया, वो सो गया, वो हमें अटेंशन करता ही नहीं। जैसे ही आपने कभी देखा कि हम कोई गुनाह करने जा रहे हो और अंदर से आवाज़ है, मत कर मत कर, ये अल्लाह नाराज़ होगा, ये गुनाह का काम है, अजाब होगा, मत जा, ये गुनाह मत कर, नहीं हम कर डालते हैं, फिर कभी किसी दिन ख्याल आ जाए तो ठीक, लेकिन गुनाह करते वक्त हमें ख्याल नहीं आता। हालांकि काम तो ये होना चाहिए ना, आपने कभी देखा होगा कि ऐसे यानी कि होता है कि एक तरफ यानी एक सीन और एक तरफ दूसरा सीन दिखा, एक अच्छे वाला एक बुरे वाला, वो बुरे वाला उसे उभार रहा है, तू ये कर कर, अच्छे वाला उसको समझा रहा है, नहीं नहीं मत करना मत करना, रोक रहा है। तो भाई हमारे साथ भी तो होना चाहिए ना, कि एक तरफ अगर हमारा दिल चाहता हो कि हम थिएटर जाएं तो अंदर से आवाज़ आ रही हो कि मत जा रुक जा गुनाह है, हमारे पास तो कुछ आता ही नहीं है। तो नफ्स लवामा कहाँ गया, सवाल ये, मेरा सवाल आपसे ये है, वो नफ्स लवामा कहाँ गया, वो मलामत क्यों नहीं करता, हम नमाज नहीं पढ़ते, कभी नफ्स ने हमें मलामत नहीं की, कभी हमारा नफ्स कहा यार नमाज नहीं पढ़ता, शर्म आनी चाहिए, अल्लाह का रिस्क खाता है, अल्लाह की नेमतें खाता है, इतना बेगैरत बेशरम हो गया, नमाज़ें नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ अल्लाह की इताअत कर, कभी इसने हमें टोका ही नहीं। लेकिन नमाज नहीं पढ़ना, इस पर तो ये बहुत हमें उछाल कूद करता रहता है, नहीं नमाज तो नहीं पढ़नी, सुस्ती आ रही है, थक गया हूँ, काम से आया हूँ, या बहुत अभी ऐसा है, पैर दुख रहे हैं, हाथ दुख रहे हैं,
ना, अभी तो खाने जाना है, अभी तो ये करने जाना, वो करने जाना, काम है, बहुत कुछ बहाने मिल जाते हैं। तो नफ्से अम्मारा तो अपने काम में लगा है, वो लवामा सो गया, लवामा सो गया, उधर से आवाज ही नहीं आ रही कि नमाज पढ़, गुनाह मत कर, रोजे रख, ये कर वो कर, जकात दे, हिसाब कर बराबर जकात का। जकात में भी डंडियां मार रहे होते लोग, है ना, हाँ, इसे हिसाब ही नहीं किया है, अंदाजा लगा दिया तो जकात दिए जा रहे, कोई आया तो 10-20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, किसी को 500 रुपया, 1000 रुपया देते गए देते गए। अब सोच रहे हैं रमजान खत्म, जकात देना खत्म, कितनी दी नहीं पता लेकिन दे दी है, हाँ रमजान पर तो हमने जकात दी है, तो जकात तो अदा हो ही गई है, लेकिन हिसाब नहीं लगा कि कितना पड़ा है, कितना जमा किया हुआ, कितनी वाजिब होती थी, देनी कितनी थी, वो हिसाब नहीं। लेकिन फिर भी कभी अंदर से आवाज नहीं आई कि इतना हराम का जमा किया है, किसी दिन मार खाएगा, किसी दिन मार खाएगा, कभी अंदर से आवाज नहीं आई। अच्छा, हम लोगों का हक मारते हैं, लोगों का हक दबा लेते हैं, किसी की चीज अंदर जेब में डालकर चल दिए, किसी की चीज उठाकर मुंह में डाल दी, बोर बेचने वाला आया था तो हमने एक बोर उठाकर, अंगूर बेचने वाला आया, एक अंगूर तोड़कर मुंह में डाल दिया, कभी अंदर से ये तोड़कर खा लिया, बड़ा अच्छा ना, ज़्यादा मीठा है, लेकिन कभी अंदर से आवाज़ आई कि ये खाना तेरे लिए जायज़ नहीं था, माफ़ी मांग या इजाज़त मांग, इजाज़त मांग, कभी आई अंदर से आवाज़? अंदर से आवाज़ नहीं आती। ये नफ्से अम्मारा बिल्कुल एक्टिव, नफ्से लवामा हमें रोकने वाला, वो बिल्कुल गाफिल पड़ा हुआ है। ये क्यों गाफिल है, नफ्से लवामा काम क्यों नहीं कर रहा? कहते इसलिए कि जब बंदा एक तो ये कि पहला स्टार्टिंग जो स्टेप है ना, वो है बचपन, हमारा बचपन, जब हम छोटे हैं हमारे पास इतनी अक्ल नहीं, वो शऊर नहीं, वो सोच समझ नहीं, हमें नहीं पता हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब नहीं पता था तो जैसी सोहबत मिली, जैसे दोस्त मिले, हम वैसा करते गए, मोहल्ले में जैसे लोग थे वैसा हम काम करते गए, घर में जैसे काम हो रहे थे हम वैसा काम करते गए, हमने घर वालों को देखा, मोहल्ले वालों को देखा, दोस्तों को देखा, वो जैसा जैसा करते थे हम भी वैसा करते गए, हमारी सोहबतें जैसी थी हमने वैसे काम किए। अब ये बचपन से इसी पर हम पलते गए ना, तो नफ्से अम्मारा वो बिल्कुल मोटा ताजा होता गया, उसकी सेहत बढ़ती गई, उसको खाना मिल रहा है, बुराई पर बुराई हो रही, गुनाह पर गुनाह हो रहे, तो इसको खाना मिलता जा रहा है, और नफ्से लवामा कमजोर होता गया, कमजोर होता गया, अब इतना कमजोर हुआ, इतना कमजोर हुआ। अच्छा, फिर ये कि शैतान भी साथ है, शैतान भी साथ, तो बचपन ही से शैतान भी साथ हो गया है, और शैतान वसवसे डालता जाता है, ये खेलने चल, क्या पड़ेगा, कुरान पढ़ने बैठा तो एक रुकू पढ़ते पढ़ते तो नींद आ रही थी, झोंके मार रहा था, लेकिन बाहर निकलकर लखोटियां बॉल बैट खेलने हुआ तो फिर 4-5 घंटे निकाल दिए, नींद नहीं आई। लेकिन कुरान पढ़ने बैठा तो एक पारा भी नहीं पढ़ पाया, आधा पारे में तो उसकी हालत खराब हो गई। ये क्यों? इसलिए कि शैतान लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है, तो अब शैतान लगा हुआ था, उसने वसवसे डाल डाल कर बचपन ही से हमें खराब किया, तो नफ्से लवामा वो कमजोर होता गया, नफ्से अम्मारा मोटा ताजा होता गया, यहां तक कि जब शऊर आया, जब होश आया, जब समझ आई तो हमारी समझ में कुछ नहीं आया, जब समझ आई तो कुछ समझ नहीं आया, इससे कि नफ्से लवामा तो सोया पड़ा था, वो तो कमजोर हो चुका, उसने कभी रोका नहीं, और नफ्से अम्मारा हमें बढ़ाता गया, शैतान और नफ्से अम्मारा दोनों मिलकर हमें धक्का मारते गए, हम भी आगे बढ़ते गए, हमारी गाड़ी आगे बढ़ती गई, हम सोच रहे थे हम बिल्कुल उसी माहौल में हैं जिस माहौल में हर कोई जीता है, मैं भी तो वही कर रहा हूँ जो हर कोई करता है, मैं वही अमल करता हूँ जो हर कोई करता है, जैसे मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता मैं भी नमाज नहीं पढ़ता, कोई ताज्जुब की बात नहीं है, मेरे घर में कभी कोई नमाज नहीं पढ़ता तो मैं कौन सा नमाज पढ़ के बड़ा बन जाऊंगा, मैं क्यों नमाज पढ़ लूं, घर में कोई नहीं पढ़ता तो मैं क्यों पढ़ूं, जाहिर सी बात है यही तो माहौल होगा, बहुत कम होता है कि कोई अपनी तरफ से पढ़ ले, घर में कोई नहीं पढ़ता फिर भी पढ़ ले। आप गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह का वाक्य आपको पता है ना, फरीदुद्दीन गंज शकर, वो शकर का खजाना, गंज शकर, शकर का खजाना, ये गंज शकर बाबा फरीद, ये जब बचपन में छोटे थे, छोटे बच्चे है ना, तो माँ, अभी तो छोटे हैं, नमाज फर्ज नहीं है, लेकिन माँ चाहती कि मेरा बेटा नमाज पढ़े, वो खुद आबिदा जाहिदा थी, इबादत करती थी, नमाजों की पाबंद थी, चाहा कि मेरा फरीद भी नमाज अदा करे,
और उसे अभी से आदत होनी चाहिए। तो अब माने कहा कुछ तो बच्चे की फितरत है लालच, तो अभी से कुछ तो करना चाहिए। तो कहा बेटा अच्छा, बाबा फरीद को शक्कर बड़ी पसंद थी, शक्कर के वो जो खड़ी शक्कर आती है बड़ी पसंद थी। तो माँ ने कहा बेटा तुम्हें खड़ी शक्कर खानी है? कहाँ खानी है बेटा, एक काम करना होगा। क्या काम? नमाज पढ़नी होगी, जब भी अजान हो नमाज पढ़ो, तुमको मुसल्ले के नीचे से शक्कर मिल जाएगी। अभी छोटा बच्चा, उसे नहीं पता कि मेरी माँ मुझे बेवकूफ़ बना रही है, उसे नहीं पता कि मेरी माँ मुझे बेवकूफ़ बना रही है। लेकिन ये बेवकूफ़ बनाकर, ये बेवकूफ़ बनाकर उनकी माँ ने उन्हें अल्लाह की जानिब से विलायत दे दी है, विलायत का मकाम तक पहुंचा दिया। तो अब शक्ल बिछा देते मुसल्ला नीचे से, नमाज पढ़ते, जैसी आती वैसी नहीं आती है, कुछ नहीं पढ़ते, लेकिन खड़े हो जाते हैं, अजान होती है खड़े हो जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। जैसे मुसल्ला आगे से उठाते हैं, नीचे शक्कर का टुकड़ा, अय है मजा आ गया। आपके जमाने में शक्कर नहीं तो चॉकलेट है, अब अपने बच्चों को चॉकलेट की लालच दे सकते हैं। वैसे हम 10 रुपए की चॉकलेट खिला देते हैं, है ना, पूड़ी के खिलाते हैं दिन भर में। पहले की औलादें, जब हम थे छोटे, ये पहले की औलादें, हमारा हाल ये था कि 25 पैसे में काम चल जाता था, 25 पैसे में। लेकिन आज 10 में भी इनका काम नहीं हो रहा था, है ना, सुबह एक पूड़ी का, दोपहर एक पूड़ी का, शाम एक पूड़ी का, रात एक पूड़ी का, और साथ में कुछ चॉकलेट भी, बिस्किट भी, ये वो। तो हमारी तो 100-200 की पत्ती ऐसे ही निकल जाती, ऐसे ही खत्म हो जाते। तो क्यों ना हम उनको ये लालच दें। अच्छा, उनको शौक बड़ा होता है कि हम गल्ले में पैसे जमा करें, तो आप लाकर दे दीजिए एक गल्ला, बेटा एक नमाज पढ़ेगा 1 रुपया मिलेगा, एक नमाज पढ़ेगा 5 रुपये मिलेंगे, जो भी आपके हिसाब इस्तेआत हो, 1 रुपया 2 रुपया जो भी, एक नमाज पढ़ेगा तुझे इतना मिलेगा, आप दे देना। अब मुसल्ले के नीचे रखने की जरूरत नहीं, वो पढ़कर आएगा, अब्बा लाओ मैं पढ़कर आया, आप निकालें 1-2 रुपये सिक्के जमा कर लें, दे दें 1-2 रुपया, या कह दें बेटा 5 हो जाएगी तो 10 रुपये की नोट मिल जाएगी, गिन रहा हूँ। वो पढ़वाएं, आदत बनेगी। बाबा फरीद रोजाना शक्कर के लिए नमाज पढ़ते रहे, और फिर जब एक वक्त वो आया ना कि अभी खेल रहे थे बच्चों के साथ, आपने वाक्या सुना हुआ है, मैं जल्दी से गुजरूं, बच्चों के साथ खेल रहे थे और इधर इनकी माँ घर में, नमाज का वक्त हो गया, माँ को लगा अब अगर फरीद घर आकर नहीं पढ़ता, रोजाना घर में पढ़ रहा था, आज अगर बाहर पढ़ ली शक्कर की लालच में, अजान हो गई है, तरबियत यह है कि अजान हो नमाज पढ़, तुझे शक्कर मिलेगी। अगर बाहर पढ़ ली शक्कर नहीं मिलेगी तो फरीद मायूस हो जाएगा। नमाज पढ़ी और माँ ने हाथ उठा लिया, अल्लाह मेरी लाज रखना, मेरे बेटे के सामने मुझे शर्मिंदा मत करना। कहते दुआ कर रही है उनकी माँ, अल्लाह ने उस माँ के दिल को तोड़ा नहीं, वो बड़ा रहमान और रहीम है, माँ की लाज रखी। बाबा फरीद वहीं कहीं नमाज पढ़ने चले गए, नमाज पढ़ के मुसल्ला उठाकर देखा, शक्कर मौजूद थी। आज रखने वाली माँ नहीं, आज अल्लाह की जानिब से शक्कर आई है, ठीक है। लेकिन ये कि अब ये पढ़ने की आदत होती गई, जब शऊर आया, समझ आई, पता चला शक्कर के लिए नमाज नहीं पढ़ी जाती, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। आजकल के बच्चे तो बड़े होशियार है, आपको सवाल कर लेंगे, है ना, मेरी बच्चियों से मैंने कहा तो मेरी बच्चियां कहती है तो अब्बा ये तो रिश्वत हो गई, ये तो लालच से पढ़ना हुआ, अल्लाह के लिए कैसे हुआ, ये तो लालच, वो इतनी छोटी सी है लेकिन वो कहती है अब्बा ये तो लालच से पढ़ना हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू आज लालच से तो पढ़, तू लालच से तो पढ़ ले, है ना, जब बड़ी होगी ना तो खुद से पढ़ेगी, लेकिन छोड़ मत, छोड़ मत। तो छोटे छोटे मुसल्ले बिछा कर खड़े हो जाते हैं, लालच है, अब्बा देंगे, पैसा देंगे। आप सब इस पर अमल करें, सब अमल करें, अपने बच्चों को इस तरीके से नमाजों का पाबंद बनाएं, आदि बनाएं, वो नमाज पढ़ते हो जाएंगे, जब बड़े होंगे उनको आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद समझदार होंगे तो नमाज के लिए हाजिर हो जाएंगे। बचपन से आदत बनानी पड़ती है। अब यहाँ तो शैतान, उसने माहौल देखा है, कैसा माहौल है, कैसे घर वाले हैं, कैसे मोहल्ले वाले हैं, कैसे दोस्त हैं, वो उसी माहौल में ढल गया। इधर शैतान ने भी हेल्प की, उधर नफ्स ने भी मदद की, ये सारी मदद के साथ अब बंदा बड़ा हुआ है ना, तो फिर ऐसा बड़ा हुआ कि अब उसे गुनाहों की फिक्र नहीं, उसे अल्लाह का खौफ नहीं, उसे कोई शर्मिंदगी नहीं, वो कितना भी बुरा काम करे ऐसे अकड़ कर चलता है, मुझे क्या शर्म। वो ऐसे ऐसे चल रहा होता है, कोई बुजुर्ग है, बूढ़ा आदमी है, उसके घर का बड़ा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कि उसकी तरबियत में ये चीज आई नहीं, उसने यही देखा, यही सारी चीजें देखी,
कि यहां कोई किसी की कोई कीमत नहीं, कोई कदर कीमत नहीं। अगर बाप कहे तो बाप के मुंह पर बोलो, तू भी तो नहीं पढ़ता, बाप की कोई कदर मंजिलत नहीं। जब ये हाल है तो औलाद ऐसे यानी विमल खा रही है बाप के सामने, चबाते हुए सामने से जा रही है। क्यों? इसलिए कि बाप ने कभी उसको टोका ही नहीं। लाडला भी बेटा है, प्यारा बच्चा, तो कभी टोका नहीं। ठीक है, विमल खाना तो उसकी जिंदगी की बात है, लेकिन आगे चले तो गुनाह कर रहा है बंदा, गुनाह कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ता, कभी टोका कि बेटा नमाज पढ़ ले। इसलिए कि बाप भी नहीं पढ़ता तो वो कैसे कह दे बेटे को कि बेटा नमाज पढ़। आज की रात हमारे लिए, हम सब के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नई शुरुआत हो सकती है। हम नई शुरुआत करें, हम क्यों नहीं कर सकते? हम अपनी औलादों पर आज से ये अमल जो मैंने बताया वो शुरू करें, आज से शुरू करें। और अभी मैं कहकर आया हूं मेरे घर में कि आज रात में पढ़ो, मैं मगरिब की 6 रकात और ईशा के बाद भी तुम्हें पढ़नी है। मैंने कहा 100 रकात पढ़नी है, 100 ओहो बहुत सब है। तो मैंने कहा कम, चलो 20 नहीं 30, मैंने कहा चलो 30 रकात। आता कुछ नहीं है उनको, सूरतें याद नहीं है, छोटी छोटी याद नहीं है, लेकिन वो खड़ी होगी ना, रुकू सजदे करेगी, जितने भी पढ़ ले। मैंने कहा आज रात में पढ़ोगे ना 100 रुपये मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे आज की रात के 100 रुपये, बाकी सारी नमाजों के 5-5 रुपये। आप क्यों लालच दें अपनी औलाद को, उन्हें लाएं अपने इस दीन पर कि वो बड़े हों तो समझे कि हमारा दीन क्या चाहता है। आज लोग, हमारी नस्लें, नौजवान नस्लें वो बर्बाद हो रही है, उन्हें शूर भी नहीं, उन्हें एहसास भी नहीं है कि हम किस राह पर हैं, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। आज की रात ये हमारे लिए तौबा की रात है, हमारे लिए एक नई स्टार्टिंग की रात है। हम एक नया सेटअप करें अपनी जिंदगी का, अपने घर वालों की जिंदगी का, एक नए सेटअप की जरूरत है हमें, अपना भी अपने घर वालों का भी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। कब बचाएंगे? आज की रात का मौका है हम शुरू करें, अब तक जो हुआ हुआ हम भूल जाएं, एक नई शुरुआत हो। अल्लाह की रहमतें बड़ी वसी। एक शेर था, किसी शायर ने कहा है, शायर कहता है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया, उजाले रब की तौबा के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस घड़ी जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस घड़ी जिंदगी की शाम हो जाए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। आप अगर वाकयात देखें तो ऐसे ऐसे वाकयात हैं। एक बंदा बड़ा खुश है, घर में सारी खुशियां चल रही है, दूल्हे को हल्दी लगाई जा रही है, दूल्हे को, दूल्हा बैठा है, हल्दी लग रही है। अब वो जाड़ा पाड़ा आया, वो भी आ गया हल्दी लगाने, हंसता खेलता आया और हंसते हंसते आकर बैठा, और बैठ कर फिर उससे पहले तो हल्दी लगाई भी है, तो फिर बाजू वाली औरत ने कुछ कहा कि ये कर वो कर, तो उसने फिर वो हल्दी लेने ऐसे जा रहा है, वहीं पर सो गया, वहीं सो गया, मर गया बंदा, हंसी खुशी चला गया। ये है मौत मफाजात। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसी मौत से पनाह मांगो, ऐसी मौत से पनाह मांगो, ये अच्छी मौत नहीं है, ये मौत मफाजात अचानक की मौत है। हमें इतना तो मौका मिले कि हम अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें, हमें इतना तो मौका मिले कि कलमा पढ़ लें, इतना तो मौका मिल जाए कि हम तौबा कर सकें। लेकिन अच्छा, अल्लाह ने हम, वो तो बड़ा रहमान और रहीम है, इतना मेहरबान रब फरमा, रब ने दरवाजे तौबा के खुले रखे हैं। ऐसा नहीं कि आज की रात ही तौबा करोगे तो तौबा कबूल, नहीं, जब चाहो रब की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह फौरन माफ फरमा देता है। फरमाता इन्नी अना तव्वाबुर रहीम, बेशक मैं ही बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला हूं। वो अपनी रहमतों से तौबा फौरन कबूल करता है, अब वो तौबा कबूल करता है, उसने हुक्म दिया, हुक्म दिया तूबू इलल्लाही तौबतन नसूहा, ऐ लोगो अल्लाह की बारगाह में सच्ची और पक्की तौबा करो, सच्ची पक्की तौबा करो। अगर ये तौबा नसूह अगर हमें मिल जाए, अगर हम सच्ची और पक्की तौबा करें, अल्लाह ताला फरमाता है ऐ बंदे तुझे पता ही नहीं, तुझे पता ही नहीं, मैं सारे गुनाह बख्श देता हूं, सारे गुनाह बख्श देता हूं। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया मैं सारे गुनाह बख्श देता हूं, बस तू तौबा तो कर। और अल्लाह के रसूल की हदीस सरकार फरमाते समंदर के झाग के बराबर अगर किसी के गुनाह हो
तो अल्लाह की उम्मीद रहमत से ना उम्मीद ना हो, वो तौबा करे अल्लाह वो सारे गुनाह माफ फरमा देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो मासूम हैं, हुजूर तो मासूम, उनसे कोई गुनाह नहीं हो सकता, न सगीरा न कबीरा, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मैं दिन में रोजाना 70 मरतबा इस्तिगफार और तौबा करता हूँ, रोजाना 70 मरतबा तौबा और इस्तिगफार करता हूँ। हुजूर को क्या जरूरत, ये कहा जा सकता है, क्या जरूरत थी उनको? लेकिन हर एक के तौबा का अलग तरीका है, हर एक की तौबा का अलग दर्जा और अलग मनसब है, हर एक का अपना दर्जा। हम आम लोग हैं, हम अपने गुनाहों से, कुफ्र और शिर्क से तौबा, और गुनाहों से अपने गुनाह कबीर से, कबीरा से हम तौबा करें, हम अपने गुनाहों से तौबा करें, ये हमारा दर्जा है कि हम अपने किए हुए गुनाहों से तौबा करें। दूसरे कुछ ऐसे दर्जे वाले होते हैं कि जो ऐसे हैं कि जिनसे कबाइर तो कभी नहीं होते, छोटे मोटे हो जाते हैं, छोटे मोटे, तो उनका दर्जा यह है कि वो तब भी तौबा करे, अल्लाह सगीरा भी माफ़ फरमा देता है, कबीरा तो माफ़ करता ही, सगीरा भी माफ़ करता है। कुछ ऐसे हैं जिनसे कभी, जो कभी गुनाह करते ही नहीं, नेक हैं, बड़े नेक, कभी गुनाह नहीं करते, वो भी तौबा करें। क्यों? इसलिए कि कभी तो शैतान दिल में वसवसे डालता है, कोई बात तो आती है, ऐसे बैठे नेक आदमी बैठा है और देख कर सोचता है, यार ये बंदा ऐसा क्यों है, ये बंदे ने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा नहीं करना, वो कुछ तो आया दिल में किसी के बारे में कि ये अच्छा बंदा नहीं है, कुछ तो सोचा। भाई क्यों सोचा? तू अल्लाह और तू तेरे दरमियान का रिश्ता होना चाहिए, तो बंदा इस पर तौबा करे। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनसे कोताही होती है, कोताही, कोताही का क्या मतलब? कोताही का मतलब ये है कि हल्की सी कमी किसी अमल में, गुनाह तो कभी किया ही नहीं लेकिन अमल में हल्की सी कोताही, वो कोताही क्या? ए अल्लाह मैंने ये सलाम फेरा ना नमाज पढ़कर, फिर जो सांस ली थी वो तेरे जिक्र के बगैर थी, वो तेरे जिक्र के बगैर थी, उस सांस को माफ कर दे। कुछ ऐसे तौबा करने वाले होते हैं। तो हर एक का अपना अलग अलग मकाम और दर्जा है, लेकिन हम तो आवाम में से आम तौबा करने वाले, हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, और हम तौबा करेंगे ना, हम तौबा करेंगे अल्लाह माफ फरमा देगा। हमारे खात्मे का पता नहीं कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि हमारा अंजाम क्या होगा, हमारा खात्मा कैसा होगा, हम नहीं जानते। अल्लाह के रसूल की हदीस मुबारक का सरकार इरशाद फरमाते हैं, एक बंदा दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाएगा, वो सब बंद हो जाएगा। आप लोग मेरी तरफ तवज्जो दें। अल्लाह के रसूल की हदीस मुबारक सरकार इरशाद फरमाते हैं, एक बंदा पूरी जिंदगी जन्नतियों के काम करता रहता है, नेकियां 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 जन्नतियों के काम करता रहा, कहते आखिरी लम्हा में जब जन्नत और उसके बीच में एक बालिश्त का फासला था, जन्नत थी और वो था, एक बालिश्त का फासला था, बस पहुंचने वाला था, सरकार फरमाते हैं तकदीर उस पर गालिब आई और उसने कोई ऐसा अमल किया कि वो जहन्नमी हो गया, वो जहन्नमी हो गया। और एक बंदा पूरी जिंदगी गुनाह करता रहा करता रहा करता रहा, यहां तक कि उसके और जहन्नम के दरमियान एक बालिश्त का फासला बचा, बस पहुंचने वाला था जहन्नम तक, कि अचानक उसकी तकदीर गालिब आई, वो कोई ऐसा अमल करता है कि अहले जन्नत से हो जाता है, जन्नती हो जाता है। अल्लाह जिसे चाहे तौबा की तौफीक अता फरमा दे, हम तौबा करते जाएं और रब से दुआ करें, अल्लाह तू हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। अच्छा, तौबा की कुछ शराइत हैं, कुछ शर्तें। तौबा बंदा करे गुनाह से कि ये जो मैंने गुनाह किए, पहले तो उस पर शर्मिंदगी हो, मैंने जो किया वो बुरा किया। जब तक बंदा अपने किए पर शर्मिंदा नहीं होगा तौबा नहीं हो सकती है। जब तक उसे फख्र है मैंने जो किया वो सही है, मेरे हिसाब से ठीक है, जब तक वो यूं हैं तौबा नहीं हो सकती, अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। बल्कि ऐसे लोगों के ताल्लुक से अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ऐसों को अल्लाह महजूब कर देता है अपनी रहमत से, अपनी रहमत से उन्हें खत्म करता है, उनका नाम निकाल देता है, मेरी रहमत से जरा भी मत देना, जरा भी मत देना। और इतना कि उसे आखिरी दम तक अल्लाह तौबा की तौफीक नहीं अता फरमाता, तौफीक नहीं आता फरमाता। तो कभी अपने गुनाह और अपने आमाल पर इतराना नहीं चाहिए, हमेशा रब की बारगाह में आजिज़ी, इनके सारी हम इंसान हैं, गुनाह हमसे ही होते हैं, तो
तो माफी भी हम मांग लें, जब जब गुनाह हो जाए तब तब माफी मांग लें, अल्लाह माफ फरमा देगा। तो पहले ये कि नदामत हो, शर्मिंदगी हो कि मैं ये करता हूं, मेरे ये काम अच्छे नहीं है, है ना, ये बुरे काम है, अपने आप शर्मिंदगी हो। फिर रब की बारगाह में तौबा, तौबा का मतलब एक अज़्म, पोख्ता वादा है, ला आइंदा फिर कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। और अल्लाह ये तौबा सिर्फ और सिर्फ तेरी रजा की खातिर है, तुझे खुश करने के लिए है, अब तौबा करे फिर वो गुनाह कभी ना करे, समझ जाओ अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल फरमा ली है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तौबा करने वाला ऐसा ही हो जाता है जैसे आज ही पैदा हुआ हो, तौबा से बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम तौबा करते रहें, तौबा इस्तिग़फ़ार को अपना विर्द बना लें, जब कभी कोई खता गलती हो जाए तौबा कर लें। आप अंदाजा करें, आप जैसे ही तौबा करेंगे अल्लाह की रहमत जो फौरन दौड़ कर आएगी, उसके लिए कोई वक्त फिक्स नहीं, कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई जगह भी फिक्स नहीं है। आपसे गुनाह हो गया, भाई इंसान है ना, तो इंसान से गलती से गुनाह हो गया, जैसे ही गुनाह हुआ आपने, यार मैंने ये गलत कर दिया, अल्लाह माफ़ करना, तौबा, मैं तौबा करता हूँ, आइंदा नहीं करूँगा। आप तौबा करें अल्लाह की बारगाह, अल्लाह माफ़ कर देगा ये गुनाह, माफ़, अब आइंदा मत कीजिएगा। हाँ, लेकिन हम हैं, हम क्या सोचते हैं, यार तौबा अभी से कर लेंगे तो ये सारी हमारी जवानी उसकी, हम यानी कि सारे मज़े हमारे जो है ना वो सब छीन जाएंगे, हम अल्लाह करते हो जाएंगे, हम वली बन जाएंगे, हम नेक बन जाएंगे, तो फिर अल्लाह अल्लाह करेंगे तो सारी जिंदगी के मज़े कहाँ गए। नहीं, अभी थोड़ा सा हम मज़े कर लेते हैं ना, थोड़ी सी उम्र होगी, अल्लाह अल्लाह करने का वक्त आएगा तो सारे गुनाह से तौबा कर ही लेंगे। हमने इमाम साहब से जुमा में सुना है या तकरीर में सुना है मौलाना से कि हाँ, तो जब तौबा करो अल्लाह कबूल कर लेता है। तो अपने बिल्कुल फिक्स एक यानी कि प्रोग्राम बना लिया कि जब इस लिमिट तक पहुँचेंगे बुढ़ापे में कि जब चलने फिरने के भी लायक नहीं रहेंगे, है ना, जब उठ भी नहीं सकेंगे तब सारे गुनाह से तौबा कर लेंगे, फिर तो गुनाह करेंगे ही, इससे के करने के लायक रहेंगे ही नहीं, तो गुनाह करेंगे नहीं और माफ हो चुके होंगे तब तो डायरेक्ट जन्नत ही में जाएंगे। लेकिन आपको वो दिया किसने है लिख कर कि इतनी इतने साल जिंदा रहोगे, तुम्हारी इतनी उम्र है वो किसने लिख दिया, इतने साल तक जियोगे, हमें तो पल की खबर नहीं है, पल की खबर नहीं है ना। कितनों को हमने देखा है जाते हुए कि लोग कहते हैं ना, यार अच्छा खासा बैठ के बातें कर रहा था, अभी बात करके गया और इंतकाल हो गया, खड़े खड़े बात कर रहा था, हंसी खुशी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही पलटा घर से खबर आई कि उसका इंतकाल हो गया, कैसे, तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ तो हुआ। हम बातें करें, यार अच्छा भला आदमी चला गया, अच्छा भला, भाई हमको भी अच्छे भले ही जाना है। हम किसी को नहीं पता कि कौन बूढ़ा होकर, अगर अल्लाह ने हमें लंबी उम्र अता फरमाई, अगर लंबी उम्र ताकतों वाली हुई तो बहुत अच्छी बात, गुनाहों वाली हुई तो हम गुनाहों में बढ़ते जाएंगे। अब दो ऑप्शन हैं, या तो हो सकता है अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमा दे, या हो सकता है हमारे गुनाहों की शामत के वजह से अल्लाह हमसे तौबा की तौफीक ही छीन ले, दे ही नहीं। और जब तक वो तौफीक ना दे हम तौबा कर नहीं सकते, हम कर नहीं सकते। हम इरादा करें तौबा करने का अल्लाह तौफीक दे देता है, हम इरादा करें तौबा का, ऐसा नहीं कि वो तौफीक देता है तो हम इरादा तौबा करते नहीं, हम जैसे ही तौबा की तौबा का इरादा करते हैं अल्लाह तौफीक देता है, हाँ बेटा कर ले, हाँ बच्चे कर ले, हाँ बंदे कर ले, अब हमने तौबा कर ली अल्लाह माफ़ कर देता है। तो पहले ज़रूरत यह है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करें। एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद, हज़रत अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, चिश्ती, सिलसिले चिश्तिया से अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद चिश्ती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि हम कश्ती के सफ़र पर थे और कश्ती के सफ़र पर जा रहे थे ना, तो अचानक तूफान आया, मौजें उठी और हमारी कश्ती एक जज़ीरे तक पहुँच गई, एक टापू जज़ीरा वहाँ पहुँच गई। जब जज़ीरे पर पहुँची हमारी कश्ती, हम उतरे, सोचा थोड़ा तूफान थम जाए तो उसके बाद हम अपना सफ़र जारी रखेंगे, जाना कहीं और था, कहीं और पहुंच गए, कब आप में चलो। तो जज़ीरे पर उतर गए, हम थोड़ा सा अंदर गए तो देखा एक आदमी बुत परस्ती कर रहा था, एक बुत की इबादत कर रहा था। हमने उसे देखा तो हमने उसे कहा कि तुम इसकी इबादत करते हो जिसे तुमने खुद बनाया अपने हाथों से। तो उसने कहा कि अच्छा तो तुम किसकी करते हो, तो हम तो उसकी करते जिसने सबको पैदा किया, जो सबका खालिक व मालिक है, जिसका अर्श आसमानों के भी ऊपर है और जिसकी हुकूमत और जिसकी पकड़ और गिरफ्त सारी रुए ज़मीन पर है, वो बड़ा अजमतों वाला, बड़ा बड़ाई वाला, हम तो उसकी इबादत करते हैं। अच्छा,
तुम्हें कैसे पता चला, तुमने देखा उसको? करें हमने देखा तो नहीं है। तो पता कैसे चला? क्या एक रसूल, उस अल्लाह ने एक रसूल भेजा था, उसने हमें समझाया बताया, तो हम उस पर ईमान ले आए। कहा अच्छा उसको वो रसूल है कहाँ है अभी? कहा वो तो नहीं है, उन्होंने अपना काम किया तो फिर अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, वो मौजूद नहीं। तो उनकी कोई निशानी मौजूद? कहाँ उनकी निशानी मौजूद है, वो निशानी छोड़ गए। कहा क्या? कहा कुरान, अल्लाह का कलाम, कुरान अल्लाह का कलाम, वो निशानी छोड़ गए। कहा ठीक है चलो सुनाओ मुझे बताओ। तो उन्होंने कुरान ला कर निकाल कर दिया। कहा पढ़ना तो नहीं आता, तुम ही पढ़कर सुनाओ। पढ़कर सुनाए, बता कि ये आयत है, ये इसका मतलब है। जब ये सुनता गया, सूरत खत्म हुई, उसने कहा ये कलाम वाला जो भी है उसका ये हक है कि उसी की इबादत की जाए, जिसका ये कलाम है उसका ये हक है कि उसी की इबादत की जाए, किसी और की ना की जाए, मैं तुम्हारा मजहब कबूल करता हूँ। उन्होंने कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल कर लिया। अब जब मुसलमान हो गया तो फिर सिखाया कुछ अहकाम, नमाज वगैरह ये सारी चीज़ें सिखाई, कुछ सूरतें भी सिखा दी। कहते कि हम वहाँ रहे, रात हुई ना, रात हमने थोड़ा बहुत सिखाया, रात हुई, खाना वाना खाकर हम अब सोने चले कि चलो सो जाते हैं। तो उसने कहा तुम्हारा खुदा सोता भी है? तुमने जो रास्ता, जिस खुदा का रास्ता मुझे बताया वो सोता भी है? तो हमने कहा नहीं नहीं वो तो नहीं सोता, ला ताखुदुस सिनतु वला नौम, ना उसे नींद आती है ना होंग आती है, कुछ भी नहीं। कहा अच्छा ऐसा है? कहा हाँ। तो फिर तुम कितने नालायक हो, तुम्हारा मालिक जागता रहता, तुम बंदे होकर सो जाते हो, ये तो उसका हक नहीं हुआ। कहते वो पूरी रात इबादत करता रहा। कहते फिर दूसरे दिन हम निकले तो उसने कहा चलो मुझे भी साथ ले लो, मैं भी दीन सीखूंगा, दीन के बारे में और ज्यादा सीखूंगा। हमने कहा ठीक है चलो। हम आ गए, जब हम एक इबादान नाम का शहर था वहां पहुंचे तो हम वहां रहने लगे। हमने सोचा कि यार इसका भी कुछ करना चाहिए, खाने पीने का इंतजाम, कुछ कसब वसब कमाने का कुछ इंतजाम। तो हम सब ने मिलकर थोड़े से दिरहम जमा किए और लाकर उसको दिए कि भाई ये तुम्हारे दिरहम। ये क्या है? ये थोड़ी सी रकम है, आपको यानी थोड़ा काम आएगा जिंदगी गुजारने में, काम काज में, खाने पीने के लिए। उसने कहा अल्लाह अल्लाह, तुम लोगों ने मुझे कैसा रास्ता दिखाया, कैसा रास्ता दिखाया तुमने, है ना, मुझे जो रास्ता दिखाया ना वो रास्ता ऐसा है कि मैं जब उस जजीरे में था, मैं जब उस जजीरे में था, मैं खुदा को पहचानता भी नहीं था, मैं उसकी इबादत भी नहीं करता था, मैं तो बुत परस्ती करता था, मैं तो दूसरे को खुदा मानता था, मैंने ना उसकी इबादत की, ना उसे जाना, ना पहचाना, ना कभी उसको पुकारा, तब भी उस जजीरे में भी उसने मुझे जाय नहीं किया, मुझे बगैर रिस्क के दिया नहीं। तो अब तो पहचान गया हूं, अब तो उसकी इबादत करता हूं, अब तो उसे पुकारता हूं, अब वो मुझे कैसे जाय फरमाएगा, अब मुझे वो कैसे जाय फरमाएगा, है ना। तुम अभी अपने रस्ते में कच्चे हो, हाँ, वो मुझे बस्ती में आकर जाय नहीं फरमाएगा, मुझे जरूरत नहीं है। कहते हम हैरत में थे, ताज्जुब में, कि बंदा कहां तक पहुंच गया, बंदा कहां तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद कहते चंद दिनों के बाद खबर आई कि वो अब मौत के करीब है, हम पहुंच गए। हमने कहा कि भाई कोई जरूरत हो तो बोलो, कोई जरूरत हो तो बोलो। उसने कहा मुझे क्या जरूरत होगी, मेरे रब ने मेरी सारी जरूरतें पूरी फरमा दी है, मुझे तुमसे कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। कहते हैं कि उसका इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। कहते वो एक वो अब्दुल वाहिद जो बुजुर्ग हैं, अब्दुल वाहिद इब्ने ज़ैद चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला, आप फरमाते हैं कि वो मर्ज़े मौत में था ना, नज़ा के वक्त में मैं बैठा हुआ था कोने में कि मेरी आंख लग गई, और जब आंख लगी तो मैंने एक ख्वाब देखा, ख्वाब में एक बाग देखा, बाग के अंदर एक कुब्बा, एक महल बना हुआ था, उसमें एक यानी कि खूबसूरत लड़की बैठी हुई है, और वो कह रही है उसको जल्दी भेज दो, मुझे मुझसे रहा नहीं जाता, मैं उसके लिए बेकरार हूँ, उसे जल्दी भेजो, वो कह रही थी। कहते मेरी ये देखकर आंख खुल गई, इतनी हसीन और जमीन लड़की मैंने कभी देखी नहीं थी, इतनी खूबसूरत थी, मेरी आंख खुल गई। कहते उसके बाद मैं यानी कि आया उसके पास, बैठा था, फिर उसने आखिरी सांस ली और उसका इंतकाल हो गया। हमने जनाजा वगैरह और कफन दफन का इंतजाम किया, फिर हम घर लौटे, मैं घर आकर सो गया। जब मेरी आंख लगी तो दोबारा वही कुब्बा मैंने देखा, बाद में वही कुब्बा है, वही लड़की है, लेकिन अब जो इंतकाल हुआ था वो उसके साथ बैठा हुआ था, वो उसके साथ बैठा हुआ था। अल्लाह ने उसे जन्नत अता फरमा दी, है ना। थोड़े दिन के लिए ईमान ला, लेकिन ऐसा कामिल ईमान, रब की बारगाह में तौबा की तो अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिए। हम अगर तौबा करें, है ना, एक जुनून मिस्री रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपके जमाने में एक शख्स जो है ना वो मस्जिद के पास से गुजर रहा था, जब मस्जिद के पास से गुजर रहा था तो आपने कुरान की एक आयत की तिलावत की,
अलम यानी लदीना अलम यानी लिल्लदीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि मोमिनों के दिल अल्लाह के जिक्र से कांपने लग जाएं? क्या अब भी वक्त नहीं आया? कहते हैं कि उसने जब ये सुना तो दौड़ता आया, दौड़ता अंदर आ गया। उसने कहा कि आपने अभी पढ़ा, फिर से सुना है, फिर से सुना दिया ये आयत। अब उस पर कपकपी तारी हो गए। उसने कहा बिल्कुल वक्त आ गया है, बिल्कुल वक्त आ गया। वो गया, उसने बादशाह यानी कि बादशाह का लड़का था, शहजादा था, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ छाड़ कर चला गया जंगलों की तरफ, इबादत में लग गया। एक मरतबा एक नेक आदमी की दीवार गिर गई, बड़ा नेक आदमी था, उसकी दीवार गिर गई। जब दीवार गिरी उसने सोचा भाई कोई मजदूर बुला लाता हूँ, वो दीवार बना देगा। वो मजदूर तलाश करने गया, जहाँ मजदूर रहते थे वहाँ गया, पहुँचा तो देखा कोई नहीं है सिवा एक नौजवान के, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, बस वो एक मजदूर है। उसने कहा कि आप मजदूरी करोगे? उसने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन जितनी मजदूरी तय हो उससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहा ठीक है, मंजूर है। और पांच वक्त जो नमाज का वक्त होगा तो नमाज के लिए रोकोगे नहीं, नमाज के लिए जाने दोगे? कहा वो भी ठीक है। कहा ठीक है। अब पहुंच गया, अब बंदे ने ये अपने काम में चला गया, काम से चला गया है ना, कारोबार में लग गया, और ये दीवार बनाने लगा। जब शाम के लौट कर आया तो देखा इसने एक अकेले आदमी ने दो आदमी का काम किया, दो आदमी का काम किया। बड़ा खुश हुआ, उसने उसकी कीमत अदा कर दी, और कीमत अदा की, ये चला गया बंदा। दूसरे दिन ये फिर पहुंचा, इंतजार किया लेकिन नहीं आया, तो पहुंच गया, देखा वहाँ कोई नहीं। लोगों से पूछा, पता चला वो रोज़ाना काम नहीं करता, वो हफ्ते में एक ही दिन काम करता है, एक दिन काम करता है, फिर जो कमाता है सात दिन खाता है, फिर एक दिन काम करता है, रोज़ काम नहीं करता। कहा वो कहाँ मिलेगा? फला जगह मिलेगा। पहुँचे तो देखा कि वो अल्लाह की इबादतों में मसरूफ था, है ना, अल्लाह की इबादत में लगा हुआ था। कहा कि भाई वो दीवार का काम का, मैं तो एक ही दिन काम करता हूँ, एक ही दिन काम करता हूँ, लेकिन मैं आपका काम कर दूंगा। कहा ठीक है। लेकिन फिर दूसरे तीसरे दिन भी नहीं आया। फिर पहुंचे, पता चला बीमार हो गया है, और इतना बीमार कि अब मौत का वक्त करीब। जब अयादत के लिए पहुंचे तो उसने कहा आप मेरा एक काम करोगे? कहा बोलो। कहा काम ये है कि ये मेरी अंगूठी है, अंगूठी निकाल कर दी, ये अंगूठी है, और कोई चीज़ थी वो दी, एक कुरान पाक था वो दिया, और देखकर कहा कि ये चीज़ें तुम बादशाह को, मेरे मरने के बाद बादशाह को दे देना, बादशाह को दे देना, और मैं मर जाऊं तो मेरे गले में रस्सी बांधना, और बांध कर घसीट कर कहना कि जो अल्लाह का नाफरमान होता है उसका अंजाम ऐसा ही होता है, ये कहना। कहते ठीक है। जब इंतकाल हो गया तो रस्सी डालने लगे तो आवाज़ आई, आवाज़ आई, ये अल्लाह का नेक बंदा है, गले में रस्सी मत डालो, इसे अजियत मत दो, तकलीफ मत दो। कहते वो रुक गए। कहा लेकिन अब ये दफन वफन कर दिया, कब्र तैयार हो गई, दफन करके पहुंचे, वो सारा सामान लिया बादशाह के दरबार में, बादशाह को दिया ये अंगूठी कुरान ये और ये सामान। क्या किसने दिया? क्या एक नौजवान था, दीवारें बनाया करता था, मजदूर था, उसका इंतकाल हुआ, उसने मुझे वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद बादशाह तक पहुंचा देना ये चीज़ें। बादशाह रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, अब वो रो रहा है। उसके बाद उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, शाम को तुम वापस आना। वो शाम को आया, क्या उसकी कब्र पर मुझे ले चलो। वो कंबल ओढ़ कर बादशाह जो उसकी कब्र पर पहुंचा, जाकर कब्र से लिपट कर बहुत रोया, बहुत रोया, है ना। अब जब हो गया, उसके बाद उसने पूछा कि हुजूर बादशाह सलामत, ये क्या बात है, आप क्यों रो रहे, इसके लिए कौन था? कहा तू जानता है ये मेरा बेटा था, ये मेरा बेटा था, एक दिन इसे हिदायत मिली, इसने अल्लाह की बारगाह में तौबा की, और तौबा करके ये अल्लाह की इबादत में लग गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद से मुझे फिर कभी ना मिला था, अल्लाह ने तुम्हें मुझ तक भेजा है सिर्फ ये बताने के लिए कि अल्लाह ने इसे कितना आला मकाम अता फरमाया था। बादशाह छोड़ दी, लेकिन अल्लाह ने विलायत का आला मकाम अता फरमाया। बस तौबा की ज़रूरत है, हम तौबा करें अल्लाह फौरन तौबा कबूल करता है। जब कुरान नाजिल होता था तो आयतें भी नाजिल होती थी, तौबा की कबूलियत की आयत भी नाजिल होती थी। अब कुरान नाजिल नहीं होता तो आयत नहीं आएगी, हमें नहीं बताने आया जाएगा कि भाई तुम्हारी तौबा कबूल, लेकिन निशानी दे दिए, अगर तुम दोबारा वो गुनाह न करो समझ लेना तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। तो हमें आज की रात ज़रूरत यह है इस बात की कि हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। यह तौबा हमें नजात का रास्ता देगी, दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी हमारे लिए नजात है। हम रब की बारगाह में सच्ची और पक्की तौबा करें, हम अपने गुनाहों से भी तौबा करें। आज की रात हम अल्लाह से जो मांगे अल्लाह हमें अता फरमाएगा। हम अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, हम अपने नफ्स अम्मारा को कमज़ोर करने और नफ्स लवामा को फिर से मजबूत करने की कोशिश करें, कि हम जब कभी गुनाह की तरफ बढ़े तो फिर हमारा नफ्स अंदर से पुकारे, अंदर से आवाज आए ये गुनाह है मत कर, ये गुनाह है मत कर। हज़रत अब्बास, आखिरी बात बताता हूं, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु,
حتی ابو العباس فرماتے ہیں بڑے اللہ کے ولی تھے, قطب کا قطبیت کا مرتبہ تھا آپ کا, تو کہتے ہیں حتی ابو العباس کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا ان کا مرید, اور آ کر وہ کہتا ہے خوشی خوشی, حضرت حضرت آپ کو پتا ہے وہ فلاں بزرگ ہے نا فلاں بزرگ, ان کا حال تو ایسا ہے تو ان کے سامنے کوئی حرام چیز آ جائے تو ان کے ہاتھ میں ایسی ایک رگ ہے وہ پھڑکنے لگتی ہے, ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حرام ہے. حضرت ابو العباس فرماتے ہیں اے مرید تجھے پتا ہے میرے جسم میں 70 رگیں ایسی ہیں کہ جب کوئی حرام چیز سامنے آتی ہے وہ 70 کی 70 پھڑکنے لگتی ہے اور میں اس کام سے رک جاتا ہوں. تو ہمیں وہ پھر سے اپنے اندر جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت, ہمارا نفس امارہ جو گناہ پر ہمیں جری اور بہادر بناتا جا رہا ہے ہمیں اسے کمزور کرنے کی ضرورت ہے, وہ نفس لوامہ جو کمزور اور مردہ ہو چکا ہے ہمیں اسے دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور اپنی اطاعت کی اور اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.